पहला फसल मान लीजिए सही सागर फसल मान लीजिए अरविंद जी मैं चलूंगा आगे जूते पहन के खड़ा हो जाऊंगा तुम जूते पहनो मुझे बता दो मैं रुक लूंगा पहला बहन बोलो डीवीएस देखिए आई बाबू के हैंडराइटिंग तो सभी जो यहाँ पर अनुयायी रहते थे सबसे नियम पालन करना जरूरी होता था बड़े महत्व की दांडी मार्च नमक का सत्याग्रह जो उन्होंने यहाँ से किया 12 मार्च 1930 को चले 385 किलोमीटर तब प्रतिज्ञा लिया थी कौए कुत्ते की मौत मरूंगा लेकिन स्वराज ये बिना मैं इस आश्रम में पैर नहीं रखूंगा। 1930 के बाद दांडी यात्रा के बाद बापू यहाँ कभी नहीं आए। यहाँ से जाने के बाद सेवाग्राम आश्रम पढ़ा चले गए तो उनका कोई पर्सनल कमरा भी नहीं था भारी खाना सोना होता था तो प्रीतम किया सभी आंदोलनों में बारे बापू का साथ दिया बापू के साथ गांधी जी से भाषा सभी कार्यक्रमों में और सभी आंदोलनों में बारे बापू का साथ दिया उस समय बिजली थी कुछ पढ़ने का नहीं हुआ और दक्षिण अफ्रीका में भी बालों का काम किया था श्री सरस्वती का डॉक्टर सुशील नैया तो 5 हेरिटेज प्लेट इस साइड के जो है वो 109 साल पुराना आश्रम और एक और आश्रम है अहमदाबाद में गांधी जी का जिसका नाम है कोचरब आश्रम वो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है 1915 से 1917 2 साल बापू वहाँ रहे प्लेट की बीमारी करने के कारण
वो ही आश्रम यहाँ शिफ्ट हो गया 17 में, तब बापू का जन्म हुआ था चंपारण सत्याग्रह मोतिहारी बिहार। बाबा सोम हाँ बहने गेस्ट जो आती थी सरोजिनी नायडू प्रभावती देवी मणि बहन सभी ग्रेट वुमेन भी करते हुए स्टेज पर, और जेंट्स गेस्ट जो भी मेहमान आते थे वो नंदिनी निवास लास्ट कॉटेज है वहाँ पर रुकते थे। ये रसोई घर हुआ करता था सामूहिक रसोई सामूहिक कटाई बुनाई काम सामूहिक कम्युनिटी रिलीजियस लिविंग प्रैक्टिस का आश्रम ये रसोई में भी मदद करते थे। रसोई हुआ ये बापू की एक वॉकिंग स्टिक है उस समय चरखा, इसमें बापू की अग्नि आई थी जिसका विसर्जन हुआ साबरमती नदी में। हाँ ऐसे 16 पॉट थे जिसमें से ये एक है जिसमें बापू की अग्नि आई उसका विसर्जन साबरमती नदी में हुआ। ये कुछ चीजें जो प्रतिकृति है जिसके ओरिजिनल नेशनल म्यूजियम दिल्ली में रखे हुए हैं। तो यरवड़ा जेल में थे तब उस तरह का पॉट उन्होंने यूज किया, उनके स्पेक्टेकल वुडन सैंडल्स जिसको खड़ा कहते हैं वुडन डिश स्टोनिश, विदेश में भी उनका ज्यादा जन्म हुआ तो स्पून और कप का क्या जन्म तो हमेशा यूज करते हैं। असंग्रह किसी भी चीज का संग्रह नहीं, जरूरियात है उतना ही हमें अपने हम अपना कपड़ा बस अब सीधा घुमाते हाथ नीचे धीरे हाथ नीचे आएगा, अब दोबारा घुमाने से यहाँ पर थोड़ा सा थोड़ा सीधा सीधा करो इनको आप इधर बॉडी नहीं चाहिए लेकिन आ जाओ बहने पंजाब से आती है ना बड़ा सुंदर गीत गाती है चावा चावा चरखा चंदन दा। हाँ जी जी एक से ज्यादा चलती हूँ ये एक बहुत सत्ता है कहीं जाना है लेके भी जा सकते थे गांधी जी जब प्रवास के लिए जेल में होते थे उनको यरवड़ा चरखा भी इसीलिए कहते हैं उन्होंने ऐसा चरखा अपने साथ मोबाइल उसमें चरमक नहीं आ रहा चरमक होती है तो ये आश्रम आ गए ना यहाँ चरम एक पोर्टेबल चरखा है जाना है लेके भी जा सकते हैं बॉक्स चरखा। अच्छा इससे भी होता है चरखा चरखे भी पंजाबी बहने आती है ना बड़ा सुंदर जी साथ में गाने का शाबा चरखा चंदन दा शाबा चरखा इसके बाद इसको वो 13 भी जाता है।
आइए आप लोग। रोशन भाई जैसे गली किसी में जा रहे हैं तो गाने के तो गाँव बहुत पसंद है तो गाँव में रोशन हाथ काटे इस्तेमाल किए हाथ काटे बनाना गांधी जी यहाँ हाथ काटे बनाना गांधी जी सीखे थे एक नेपाली से तो गांधी जी साउथ अफ्रीका से जब वापस लौटे 21 साल साउथ अफ्रीका रहने के बाद वापस आए तो ट्रेडिशनल ड्रेस पहने जो पारसी बहने जो पुरुषों का ब्लाउज पहनती है तो कस्तूरबा जी का और गांधी जी का ड्रेसिंग एक ट्रेडिशनल इंडियन 21 साल साउथ अफ्रीका रहने के बाद और ये हैंडमेड पेपर हमने इस्तेमाल किया है। गोपाल कृष्ण बोबड़े जी जो पोलिटिकल लीडर थे उन्होंने गांधी जी को सलाह दी थी कि पहले एक बार एक साल पूरे भारतवर्ष में घूमिए आंखें खुली रखना कान खुले रखना पर मुंह बंद रखना तो जाहिर में निवेदन नहीं किया था गांधी जी ने पूरे साल फिर बनारस में पहली बार बताया ये दो साल गांधी जी जिस किराए के मकान में रहे जो यहाँ से 4 माइल दूर और जिन्होंने उनको आमंत्रित किया ये जगह जब खरीदी गई 20 रुपए के स्टैम्प पेपर पर तो पूरी प्रदर्शनी हाथ कागज इस्तेमाल किए हुए हैं और यहाँ पर ही बनते थे आज भी बनते हैं और जो सारे व्रत गांधी जी के ये अक्षर है यहाँ पर उन्होंने तय कर लिया था कि 5 चीज से ज्यादा मैं दिन भर में ज्यादा खाऊंगा नहीं तो यहाँ पर गांधी जी की खुद की राइटिंग है। सुबह 3:30 बजे गांधी जी उठते थे वॉक पर जाते थे 4:20 बजे को प्रार्थना होती थी तो पूरे दिन भर की जो दिनचर्या एक हफ्ते भर गांधी जी के परिवार के सदस्य उनके पोते पोती जब आते थे तो गांधी जी कहते थे पब्लिक ट्रस्ट रन किसान मेरे परिवार वाले यहाँ ना हो रह सकेंगे ना खा सकेंगे तो वो लोग वैकेशन में दादा के घर आने पर भी उनको पैसे देने पड़े। गांधी आश्रम में गांधी जी का एक सोशल रेवोल्यूशन जो मेन है उनका वो ये है कि अस्पृश्य लोगों को यहाँ पर उन्होंने अलाउ तो गांधी जी को खत मिला। गांधी जी ने आत्मकथा में ये बात मेंशन की है
कि उस समय पर जो कुरीति चल रही थी कि अनटचेबल पर्सन को साथ में नहीं बिठाना, ये सब अहमदाबाद में कई लोगों ने उनको आमंत्रित किया था इस वजह से कि उनके बच्चे गांधी जी के साथ रहे, अच्छे परवरिश पाए और गांधी जी का सानिध्य उनको मिला है। पर अगर अस्पृश्य लोग यहाँ आके रहेंगे तो उनके बच्चे क्या अच्छे संस्कार पाएंगे। तो जैसे ही इन लोगों ने 3 ही महीने हुए थे, गांधी जी ने आत्मकथा में बात लिखी है कि मुझे ये पता नहीं था कि इतनी जल्दी ये लोग आएंगे, पर आए और जो यहाँ पर शुरुआत हुई, गांधी जी कहने लगे कि अनटचेबल जो गुदाबाई आए थे, दानी बहन की बेटी लक्ष्मी, आप थोड़ा सहन कीजिए, थोड़ा हम सहन करेंगे, क्योंकि समाज के लोगों के मन से हमें ये बात निकालनी है। इसीलिए एक शुरुआत यहाँ से हुई थी, जिन लोगों ने उनको आमंत्रित किया था उन्होंने पैसे देने बंद कर दिए। रात को मगन भाई, मैंने जराश्रम के गांधी जी के, तो उन्होंने कहा कि सर के रेशन के लिए कुछ बचा नहीं है, और सुबह ही एक गाड़ी आके खड़ी रही, एक सज्जन आके उतरे और गांधी जी को एक कवर दिया था जिसमें 13,000 थे। गांधी जी ने कहा कि नरसिंह मेहता को जैसे हुंडी मिली थी, ऐसे ही हमें आश्रम में मदद मिली, तो कहीं अच्छी अच्छी सोच के साथ चलते हैं तो कैसे परमात्मा मदद करता है। तो गांधी जी ने अनुभव किया जब अनटचेबल पर्सन आए और जो उसके लिए आग बढ़ी, मिल में जो स्ट्राइक हुई थी, तब गांधी जी का क्या रोल रहा है उसके बारे में, वो बिहार मुख्यारी चंपारण सत्याग्रह करना भी पड़ा मिल के स्टाइल से। तो 15 साल गांधी जी अहमदाबाद में रहे, तब भी गांधी जी के खिलाफ खबरें छापते थे नहीं, ये टाइटल ही ऐसे रखा है हमने सारे टाइटल कि लोग पढ़ने के लिए कि अच्छा क्या है करके सब लोग पढ़े, तो पूरी नहीं पूरी गैलरी में हमने टाइटल थोड़े ट्विस्ट करके रखे हुए ताकि लोग पढ़े कि सही क्या है। तो गांधी जी ने सच में तो न्याय तो मजदूरों को ही दिया था, पर ये पढ़ने के बाद सब लोग हकीकत पढ़ने की ख्वाहिश रखी। गांधी जी ने विद्यापीठ की स्थापना की, एक शैक्षणिक संस्था जो यहाँ से बिल्कुल 3 किलोमीटर दूर पर है, नवजीवन प्रेस की स्थापना की यंग इंडिया में, जो उन्होंने लिखा था एक्सपीरियंस के बारे में। उन्होंने जो शब्द लिखे थे ना, वो शब्द पढ़ने के बाद न्यूज़पेपर में उनके शब्द के बाद तुरंत उनकी गिरफ्तारी की गई। यहाँ से जो शुरुआत हुई थी बिहार मोतिहारी चंपारण सत्याग्रह, रॉलेक्ट एक्ट का विरोध हुआ, तो राजकुमार शुक्ल जी ने जो खत लिखा था गांधी जी को इन्वाइट किया था, विदेशी कपूर की होली जलाया, स्वदेशी पत्र मरवाया, चौरी चौरा का जो इंसिडेंट हुआ तब कई लोगों ने कहा कि आप थोड़े पुलिस चौकी जलाने गए थे, आप क्यों उपवास कर रहे थे, तो गांधी जी ने कहा कि मैं पूरे भारतवर्ष का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, कोई भी गलती करेगा उसका प्रायश्चित मैं करूँगा। और कोहाट हिंदू मुस्लिम जो दंगे हुए उसमें चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम सबको उन्होंने मदद की चाहिए थी। वाइकम सत्याग्रह काफ़ी लंबा चला, वाइकम सत्याग्रह केरल में अस्पृश्य को मंदिर में प्रवेश नहीं देते थे। विनोबा जी का जो एक गान जिसमें मेरा शायद वो एक लाठी ऐसी दूर से पड़ी थी क्योंकि अस्पृश्य को लेके मंदिर में प्रवेश करने जाते थे और उसको ये पूरा एक सेक्शन कस्तूरबा गांधी जी ने कस्तूरबा के लिए कस्तूरबा वैसे पढ़ी लिखी नहीं थी पर फिर पढ़ना लिखना उन्होंने। एक लाख लोगों को गांधी जी ने एड्रेस किया था बिना माइक। गांधी जी जब बोलते कोई बंदा दांडी यात्रा पर यहाँ से निकले गांधी जी 12 मार्च 1937 की आयु, तो 80 लोग उन्होंने सिलेक्ट किए थे, 78 लोग यहाँ से जुड़े थे, 2 लोग रास्ते से जुड़े थे, पर 1 लाख लोग को अगले दिन रात को यहाँ इस सोच में बैठे थे कि कभी ना कभी गांधी जी को अरेस्ट करेंगे, दांडी यात्रा खो नहीं देंगे, पर गवर्नमेंट ने इग्नोर किया और ये यहाँ का एड्रेस दीजिए जहाँ गांधी जी ने सब लोगों को एड्रेस किया।
ये रहे गांधी जी बिना माइक के, वो बोल रहे हैं आगे कोई बंदा है जो बाकी लोगों को बताएंगे ऐसे तो वो एक जुगाड़ लाना चाहते थे, लोगों में एक अवेयरनेस लाना चाहते थे, दारूबंदी अस्पृश्यता निवारक उनका एक मोटो था दांडी यात्रा। उन्होंने 2400% टैक्स था, 2400% टैक्स सरकार वालों के पटेल ने कहा दिया गया है। एक चुटकी भर नमक के लिए 241 माइल पैदल चलेगा। तो गांधी जी की खास बात ये थी कि जो उनके अगेंस्ट में है उसको ही उसका नेता बना देते हैं। तो गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा कि दांडी तो जाना ही है पर किस रास्ते जाना है, किस गांव से गुजरना है वो तय आप करेंगे। तो पूरा रास्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तय किया था। गांधी जी का हर सोमवार के दिन मौन वार रहता था, उस दिन यात्रा स्थगित कर दी थी। तो गांधी जी 21 दिन पैदल चले, बीच बीच में सोमवार को रुके, 6 अप्रैल को नमक का कानून तोड़ा। तो कुछ दिन वहाँ रहे, नमक खुद बनाया। उसके बाद धरासणा सत्याग्रह में 60,000 लोगों को अरेस्ट किया गया था। तो नमक आंदोलन के समय गांधी जी जो यहाँ से पैदल निकले उसके बाद वापस 15 साल अहमदाबाद में यहाँ से वापस आना। ये जो है मॉडल गांधी जी के समय पर जो आपकी और वो इसको जिन जिन लोगों ने आश्रम का एक मतलब अगर आप अगर आप अपने अंदर की जो मूल प्रवृत्ति को जागृत करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वो सज्जता अपने अंदर जो गांधी जी का आश्रम जीवन शुरू हुआ तो उससे पहले उनके जीवन में जो पूरे लाइफ में उन्होंने का बचपन से मुझे सवाल उठते थे और आश्रम मेरे अंदर ही है। जैसे कम्युनिटी लिविंग लाइफ साउथ अफ्रीका में फिनिक्स और टॉर्चोशी हुई है, यहाँ आए तो उन्होंने एक फॉर्मेट भी बनाई कि आश्रम में जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए वो कैसे रहेंगे। तो आश्रम की एक आचार संहिता उन्होंने बनाई और वो आचार संहिता को जो लोग मानेंगे वही लोग आश्रम में रहेंगे। तो गांधी जी का कहीं ना कहीं है कि हमारे अंदर की जो अच्छाई को हमें बाहर लाना है वो कैसे लाना है, तो आश्रम में वो लोग सब वो अनुभव कर पाए। आज तक ऐसी कोई वर्ल्ड फेमस पर्सनैलिटी नहीं है जिसको जिनको इस तरह से खत मिले हैं। जैसे कि गांधी जी का एड्रेस किसी को भी पता नहीं है, टू करके सिर्फ एक स्टैम्प डाल के लेटर किसी ने पोस्ट कर दिया, गांधी जी को खत मिल गया। एक स्केच बना के फिर इंडिया लिख दिया, गांधी जी को वो खत भी मिल गया। तो कहीं पर भी पूरा एड्रेस नहीं है, यहाँ लिखा है महात्मा गांधी यहाँ तो गांधी लिखना भी भूल गए हैं। उन्होंने लिखा है कि द ग्रेट अहिंसा नॉवल ऑफ इंडिया, न गांधी लिखा है न कोई द ग्रेट अहिंसा नॉवल ऑफ इंडिया। पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई पर्सनैलिटी नहीं है जिनको इस तरह से खत मिला। आज एक नंबर अगर मिसिंग हो जाए ना एड्रेस में तो भी खत।
पता चले हम सब के साथ साथ आप आटले तो छे आओ आता नहीं करा नाम आदमी नहीं मैं भाई चलो भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ अरे यार भाई मेला नहीं है ओ भाई भाई यार यार भाई नीचे जाओ साइड में अनिल भाई मोबाइल आओ पार्सल कैमरा से लीक कर इधर હું આગળ પાછળ આવું ને પાર દઈ દેલો ફોટો આમ તો ચાન્સ મળવાનો ચાન્સ ઓછો અગાઉ ચડ્ડા જોડે જતો ચાલતો હતો ધ્યાન નતું અત્યારે હમણાં મસ્ત ચાન્સ હતો એ નહીં
चलवन ना तू और आज गांधी जी को नतमस्तक होने के लिए उनके आश्रम में हम दोनों आए और यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। अपने आप को धन्य मानते हैं हम लोग कि ऐसे देश में पैदा हुए जहाँ से गांधी जी भी पैदा हुए थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरा इस आश्रम में पहला दौरा है, लेकिन उसके पहले जब मैं एक एक्टिविस्ट होता था तो तब तो कई बार मेरा यहाँ पे आना हुआ था, तो कई बार मैं पहले भी आ चुका हूँ। जितनी बार यहाँ आते हैं बहुत शांति का एहसास होता है और ऐसे लगता है जैसे गांधी जी की आत्मा यही बस्ती है। आज बहुत अच्छा लगा। मैं जिस धरती से आता हूँ वो शहीदों की धरती है। लाला लाजपत राय, मदन लाल सिंगरा, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, करतार सिंह सराबा, शहीद उधम सिंह, मतलब हर गांव में आपको जाके पता चल जाएगा कि देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने वाले इतने परवाने थे जिन्होंने अपनी जान निछावर की। तो गांधी जी इस आश्रम में आके मुझे बहुत कुछ देखने को मिला, उनकी हाथ से लिखे चिट्ठियाँ और उनके अलग अलग जो उन्होंने आंदोलन किए उनके बारे में जानकारी मिली। और चरखे के बारे में तो मैं ये बोल रहा था कि ये तो हम मेरी माँ, मेरी दादी, मेरी नानी, आज भी हमारे घर में पंजाब के लगभग हर घर में चरखा है और उसको त्रिंजन बोलते हैं। जब इकट्ठे बैठ के लेडीज जो हैं वो साथ में वो कल्चरल सॉन्ग भी गाती हैं साथ में मिलके, और वो चरखे से वो जिसको सूत बोलते हैं सूत गाती हैं। और ये बचपन से हमने देखा है, आज यहाँ पे आके उनका जो ओरिजिनल चरखा देखा कि कैसे उन्होंने देश की वस्तुओं को प्रमोट किया, उसको आज बहुत देर बाद किसी और तरीके से प्रमोट किया जा रहा है। तो हम तो नेशनलिस्ट लोग हैं, देश को प्यार करने वाले लोग हैं। मैं गुजरात में मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आया हूँ और मुझे लगता है कि गुजरात के लोग हैं वो बहुत इनकलाबी लोग हैं और हमें उम्मीद है कि वो भी देश की तरक्की में और देश की रक्षा में उनका बड़े से बड़ा योगदान देने वाला है। अरविंद जी, अरविंद जी, गुजरात पंजाब में भगत सिंह के नाम पर और गुजरात में गांधी जी के नाम पर राजनीति होगी? राजनीति की बात बाद में करें, यहाँ पे पवित्र स्थान है, गांधी जी का स्थान है, या गांधी जी की बात करते हैं राजनीति करने के लिए। अरविंद जी, अरविंद जी, हाँ अरविंद जी, आप अरविंद जी एक लेटर लिखा गया है। अरविंद जी कौन में जवान हो तुम्हारा कैसे जाओ।